बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सिलेक्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट के अंदर डेटे जो हमारे पास एरे के अंदर दिया हुआ है, इसके अंदर हम सबसे पहले स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड करते हैं। और ये अगर हमारे पास वाइट कलर में स्मॉलेस्ट वैल्यू है, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू की जो प्लेसमेंट बनती है वो फर्स्ट प्लेसमेंट है। तो इसको हम यहाँ पे रखेंगे, ये वाली वैल्यू इस जगह पे आ जाएगी। इनको स्वैप करवा देंगे, ये देखें। नेक्स्ट हमारे पास दो लिस्टें बन गई, फॉर एग्जांपल ये सॉर्टेड हो गया है और बाकी अभी अनसॉर्टेड पड़ा हुआ है। इन इस अनसॉर्टेड में से जो सबसे स्मॉलेस्ट है पहले उसको फाइंड करेंगे, ठीक है। उसके लिए वही पूरा लूप एग्जीक्यूट होगा, तब ही जाके हमें मिलेगी स्मॉलेस्ट वैल्यू। जब एक दफा डिसाइड होगी कि ये वाली वैल्यू स्मॉलेस्ट है, इसको सेकेंड प्लेस पे ले आएंगे और सेकेंड वाली वैल्यू जहाँ पे हमें फाइंड हुआ था वहां पे पहुंच जाएगी। अब नेक्स्ट हमारे पास सॉर्टेड लिस्ट के दो एलिमेंट हो गए और बाकी जो फोर एलिमेंट पड़े हैं वो अनसॉर्टेड में है, और उसमें हम देखेंगे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है। उस स्मॉलेस्ट वैल्यू को थर्ड प्लेस पे ले आएंगे और इसी तरह ये प्रोसेस चलता रहेगा और डाटा हमारा सॉर्ट हो जाएगा। प्रोग्राम की तरफ आते हैं। हमारे पास एक एरे ले लिया, उसके अंदर हमने डायरेक्टली ही डाटा रख दिया, डाटा इनपुट के साथ भी रख सकते हैं, डाटा हम डायरेक्टली भी रख सकते हैं। हमारा मकसद डाटा फिलिंग नहीं है यहाँ पे, एल्गोरिदम को समझते हैं, कोडिंग को समझते हैं, और वो उससे पहले डाटे को प्रिंट करवा दिया। ये वो वाला कोड है, जो कोड है सिलेक्शन सॉर्ट का, वो यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ तक जाएगा। ये सिलेक्शन सॉर्ट का कोड है। नेक्स्ट उस एरे को प्रिंटिंग का है, वो सिंपल वही जितने एलिमेंट हैं उतने लूप लगाएंगे और एरे को प्रिंट कर देंगे। अब इसमें वही चीज़ हम फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे पूरी लिस्ट में से। फर्स्ट वाली वैल्यू है तो k से स्टार्ट हुआ, k लेस देन 10, क्योंकि 10 एलिमेंट है, k में का इजाफा कर दिया। अब सपोज किया कि ये जो जीरो पॉइंट पे पड़ी हुई है, k जीरो पे है, तो वही मिनिमम है, ये मिनिमम को अभी वो असाइन कर दी। नेक्स्ट हमने एक लूप लगाया j जो जीरो से स्टार्ट हो, k से स्टार्ट हो, यानी कि अगर ये वो सॉर्टिंग और अनसॉर्टिंग लिस्ट में हमारा कॉन्सेप्ट आ रहा है कि अगर हम खड़े हैं थर्ड प्लेस के ऊपर, ये देखें, तो स्टार्टिंग वैल्यू जो होगी नेक्स्ट एरे की वो यहां से स्टार्ट होगी, तो जे जो स्टार्ट हो रहा है वो के की वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है कि फर्स्ट फेज है तो जीरो से, सेकंड है वन से, थर्ड फोर, इस तरह कह लें कि ना लिस्ट हमारी अनसॉर्टेड सिलेक्ट होती रहेगी। जे को लूप लगा दिया, जे के ऊपर लेस देन 10 है आखिरी एलिमेंट तक, और फिर यहाँ पे इफ लगाई हमने, मिनिमम फाइंड करना है। ये मिनिमम वाला ही प्रोग्राम है कि अगर हमारे पास जो जे का एलिमेंट है वो लेस देन है मिनिमम से भी, अब जे प्लस वन से नहीं है, अगले एलिमेंट से कंपेयर नहीं करना, जो मिनिमम में रखा हुआ है, तो मिनिमम में कौन सा रखा हुआ है, के, के फर्स्ट टाइम जीरो है, यानी कि जीरो वाला एलिमेंट जो है उसको कंपेयर किया, और अगर जे वाला एलिमेंट, जे क्या है वो भी के है, या के प्लस वन कर दें तब भी वो हमारा प्रोग्राम यानी कि जीरो से वन तक कंपेयर हुआ है, और अगर वो ग्रेटर देन लेस देन है तो मिनिमम वो होगा। ये वाला कोड वही है जो मिनिमम वैल्यूज फाइंड करते हैं हम लोग। तो इस लूप के अंदर हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड होगी, और वो मिनिमम वैल्यू किस में पड़ी है, एम आई एन में, इस इंडेक्स पे वैल्यू मिनिमम पड़ी हुई है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको स्वैप करवा देंगे कि जो के जीरो वैल्यू पड़ी हुई है, माई एरे नेम रखा हुआ है वो टेम्प में रखा, और मिनिमम में जो वैल्यू पड़ी हुई थी वो के की प्लेसमेंट में आ गई, और के वाली वैल्यू जो हमने टी में रखी थी वो मिनिमम वाले एरे पे चले गए। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं।
और ये देखें हमारे पास ये अनसॉर्टेड लिस्ट है जो हमने यहाँ पे फर्ज की थी डाटा देते हुए यहाँ पे ये वाली, ये देखें 12, 4, 3, 1, 15 उसी तरह उसने प्रिंट कर दिया, क्योंकि हमने जैसे ही वैल्यू असाइन की नेक्स्ट एक लूप लगाया और वो वैल्यू प्रिंट कर दी। प्रिंट करते हुए हमने फॉरवर्ड स्लैश टी दिया, टैब दे दिया हर वैल्यू के बाद। दोबारा फिर हमने उस पे सॉर्टिंग वाला मेथड अप्लाई किया, सॉर्टिंग के बाद फिर वो प्रिंटिंग की, तो हमारे पास जो 1, 2, 3 देखें, 1 ये वाला पहले आ गया, 2 यहाँ से उठा के फिर यहाँ पे आ गया, 3 यहीं पे, 4 ये आ गया, फिर 10 आ गया। इस कॉन्सेप्ट को सॉर्टिंग विद सिलेक्शन सॉर्ट कहते हैं।